गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ शालू एंड टूडे इन आवर मैथ्स क्लास वी डू एक्सरसाइज नंबर 4.3 चैप्टर 4। फर्स्टली वी डू रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट E is the ratio of income and expenditure of a family is 10:9. Find the saving if income of the family is ₹60,000. हमें कहा है इस ई पार्ट में कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर है किसी फैमिली का, उसका रेशियो है जो 10:9 है, और साथ में हमको इनकम दी भी है। देखो, रेशियो भी दिया है और इनकम भी दी है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब हमें टू थिंग्स दे रखी हो, मतलब रेशियो भी दे दिया और साथ में हमें बता दिया कि इनकम भी कितनी है। सो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है आपको 10:9 दिया है और इनकम कितनी दी है 60,000। तो हम ना पहले करेंगे इसको एक्स की फॉर्म में चेंज। इनकम है, लेट इनकम ऑफ फैमिली 10x एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली 9x। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होगी, हमें टू थिंग्स कॉमन दी हैं। इनकम है जो वो रेशियो की फॉर्म में भी मैंने आपको बताया और किस में दी है, और एक्चुअल इनकम बताई भी है कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इनकम है जो 10x है हमारी, वो किसके इक्वल है 60,000 की। मींस कि यहाँ से जो x आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 10, यानी कि x कितना आ गया, 0 से 0 कट हो गई, तो कितना आ गया 6,000। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमने जो एक्सपेंडिचर माना था 9x, यहाँ पर अब x है जो, यहाँ x रखने से, x की वैल्यू रखने से हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा कि वो कितना है, 9 × 6,000, मीन्स कि 54,000 है उनका एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्च कितना करते हैं फैमिली वाले 54,000, और जो उनकी इनकम है वो 60,000 है। मीन्स कि जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, उनका सेविंग हो गया। तो सेविंग क्या हो गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मीन्स कि 60,000 − 54,000, 6,000 है जो वो क्या आ गई है, सेविंग आ गई है। एफ पार्ट भी सिमिलर, बिल्कुल सेम है। इसी तरह से हमें ट्राउज़र और शर्ट्स का ना रेशियो दिया हुआ है, ट्राउज़र्स और शर्ट का हमें रेशियो दिया है 3:5। इफ़ द नंबर ऑफ शर्ट इज़ 20, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राउज़र इन द वार्डरोब। हमें नंबर ऑफ शर्ट्स दी हैं 20 दी हैं, और नंबर ऑफ़ ट्राउज़र हमें बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में ट्राउज़र और शर्ट्स का जो है, नंबर ऑफ़ शर्ट्स 20 दी हैं, ट्राउज़र हैं 3x, शर्ट्स हैं 5x। शर्ट्स हैं जो 5x इज़ इक्वल टू, यानी कि जो शर्ट्स हैं वो हमें नंबरिंग में भी दी हैं 20। तो हम क्या करेंगे, 5x इज़ इक्वल टू 20 के इक्वल लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/5, यानी कि 4। सो ट्राउज़र कितने हो गए, 3 × x, x यानी कि क्या आया है 4, तो 3 × 4 इज़ इक्वल टू 12 आ गया है जो ट्राउज़र्स हैं। नाउ हमारा जो है यूनिटरी मेथड है 4.3 में। यूनिटरी मेथड क्या होता है, When one thing is given, मैंने आपको बहुत बार बताई है ये बात कि जब हमें one thing given हो और हमें ज़्यादा लिए find out करना हो तो हम क्या करते हैं, multiply। और जब हमें बहुत सारी things given हो और हमें one find out करना हो तो हम क्या करते हैं, divide। But unitary method क्या है, When more is given, ज़्यादा given हो, हमें उससे भी ज़्यादा बताना हो। जैसे कि 3 things का हमें दे दिया प्राइस और हमें कह दिया कि 7 का फाइंड आउट करो, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 से पहले तो 1 का फाइंड आउट करेंगे, फिर उस 1 से हम फिर से ज़्यादा का, हमें क्योंकि 1 का पता होता है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और जब हमें ज़्यादा का पता होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो इन क्वेश्चंस में हमें ना दोनों चीज़ें करनी होंगी, पहले तो हम 1 का फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे हर क्वेश्चन में, और बाद में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सी हेयर वन एग्जाम्पल, इफ़ ए डजन एग्स कॉस्ट ₹36, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 eggs। 1 dozen में कितने होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने होते हैं 1 dozen में, 12 things होती हैं। कॉस्ट ऑफ 1 dozen eggs इज इक्वल टू 36, यानी कि कॉस्ट ऑफ 12 eggs कितनी है, 36। कॉस्ट ऑफ 1 egg कितनी हो जाएगी, 36 डिवाइड बाय में 12। आप इस तरह से राइट करके इसको पहले कट भी कर सकते हो, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, यानी कि 1 egg है जो वो 3 rupees का है, और 22 की कितनी आ जाएगी, 22 × 3, यानी कि 66 rupees के आ गए। और आप इनको बाद में भी कर सकते हो, यानी कि 36 बाय में 12 में पहले राइट कर लूँ, ये 1 के लिए हो गया, फिर मैं इस डायरेक्टली इसकी 22
नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपका कट होके वही आंसर आना है, 12 1 12 12 3 36, यानी कि 66 रुपीज़ है जो मेरा आंसर आ गया है। इफ़ इट हैज़ रेन 276 mm इन द लास्ट 3 डेज, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन फुल वीक्स, यानी कि 7 डेज में। हमें 3 डेज़ का दिया है, 7 का निकालना है, तो पहले हम 1 डे में देखेंगे कि कितनी बारिश हुई है, फिर 7 के लिए हम उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सिमिलरली एक्सरसाइज 4.3 है जो आपकी बिल्कुल सेम है, सभी क्वेश्चन में यही काम करना है। ए में कहा है ध्रुव बोर्ड 3 मीटर क्लोथ 4 रुपीज़ 270, 3 मीटर क्लोथ है जो 270 का है, 1 की कितनी 7 के हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 के लिए करेंगे 270/3, फिर 7 के लिए कर देंगे मल्टीप्लाई में 7, यानी कि 3 1 3, 3 9 जा क्या होता है 27, तो 0 एक पीछे रह जाएगी। 90 को फिर हम किससे करेंगे, 7 से, यानी कि 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट थी 90, पहले आप इसको यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हो 90, फिर 90 मल्टीप्लाई 7, या फिर इस तरह से इसको राइट करके लास्ट में भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो, ये आपका करेक्ट रहेगा, गलत नहीं होगा इस तरह भी। बी पार्ट में कहा है 15 किलोग्राम राइस हैं जो वो 470.25 रुपीज़ के हैं, तो 25 केजी के हमें प्राइस बताने हैं। 15 का दे रखा है, 1 का पहले फाइंड आउट कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे 15, और 25 के लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कट करने के बाद हमें मिला है 28375 डिवाइड बाय में 100। ये जो है मैंने ना इसका डेसिमल हटाकर राइट किया है, अगर आप डायरेक्ट डेसिमल लगा रहे और आप डायरेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये 100 जो है डेसिमल के नाम के मैंने नीचे 2 ज़ीरोज़ लगा दी थी डेसिमल को हटा के, आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे डेसिमल की फॉर्म में, वो जो आपने सीख रखा है पहले डेसिमल वाले चैप्टर में, तो वो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, 783.75 आ जाएगा इसका जो आंसर है। थर्ड में ट्रेन है जो 120 किलोमीटर कवर करती है 1 आवर में, तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगी वो 960 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर किलोमीटर है जो वो 2 टाइम दिया है, यानी कि हमें 120 किलोमीटर जो है ट्रैवल करने में कितना ले रही है, 1 आवर ले रही है ट्रेन। 1 के लिए करेंगे, 1 किलोमीटर कवर करने में कितना लेगी, फिर हम करेंगे 960 के लिए। तो इसको जहाँ पे ये देखना है कि 2 क्वांटिटीज़ दे रखी हो, वो स्टेटमेंट हमें स्टार्ट करनी है वहाँ से। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि आपको क्लोथ्स की जो लेंथ थी 3 मीटर और 7 मीटर, यानी कि हमने स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट की, कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लोथ, कॉस्ट ऑफ 1 और फिर सम 7 की फाइंड आउट करनी थी। सेकंड में जो है हमें 15 किलोग्राम राइस दे रखे थे, पहले उसकी कॉस्ट दी थी, फिर 1 की हमने फाइंड आउट की हमने, और फिर हमने 25 किलोमीटर राइस की हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर मतलब जो 2 क्वांटिटीज़ हमें गिवन है स्टेटमेंट में, वो हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, मतलब राइट करते हैं, और जो हमें फाइंड आउट करनी होती है 1 थिंग दे रखी होती है जो, वो लास्ट में इक्वल से दूसरी साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस 120 किलोमीटर कवर्स है जो वो 1 आवर में हो रही है, 1 कितने में होगी 1/120 में, और 960 कितने में होगी वो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर देंगे, तो यानी कि 8 आवर्स आ जाएंगे सॉल्व करने पर। डी पार्ट सिमिलर है, आप इसको ट्राई करना। ई पार्ट भी सिमिलर है, ई पार्ट में क्या कहा है, 2 स्कोर्स ऑफ बॉल, अनिरुद्ध ने 2 स्कोर्स ऑफ बॉल, 1 स्कोर में ना 20 क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा, 1 स्कोर में 20 होती हैं, तो 2 स्कोर में कितनी होगी 20 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 40। तो यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट राइट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 40 बॉल्स लिखेंगे हम 2300, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है 2300/40 हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ 25 बॉल्स कितना हो जाएगा 2300/40 × 25, यानी कि जो हमारा आंसर है वो आएगा डेसिमल फॉर्म में आएगा ये, क्योंकि कंप्लीट कट नहीं हो रहा है, 1437.5 रुपीज़ इसकी जो 25 बॉल्स की कॉस्ट आ जाएगी। एफ़ पार्ट, जी पार्ट, सब में सेम थिंग्स करनी है, कुछ भी चेंज नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं किया है। आप इस पूरी एक्सरसाइज को 4.3 को ट्राई करना, सभी सब मैंने सॉल्व कर रखे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनमें से टैली कर सकते हो, देख सकते हो इसको। ओके बेटा, यू हैव टू ट्राई 4.3 एक्सरसाइज एंड डू इन योर फेयर नोटबुक। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।